इस साले को। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखी इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है लेकिन उसके वेश्यालय में
आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां हैं, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्याला को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े हैं। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमें कई फ्लैशबैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी मां शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गाँव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गाँव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है लेकिन वहां पहुंचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी मां शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां हैं, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्याला को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े हैं। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमें कई फ्लैशबैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक
आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वह नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं
सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वैशाल्य में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वैशाल्य को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी।
फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े हैं। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमें कई फ्लैशबैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां, अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी मां शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गाँव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गाँव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी मां शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गाँव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े हैं। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमें कई फ्लैशबैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक
आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वह नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं
सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वैशाल्य में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वैशाल्य को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े हैं। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमें कई फ्लैशबैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहां जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी।
फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था, और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे, और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था, और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है, जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक
आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वह नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं
सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वैशाल्य में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वैशाल्य को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी।
फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वैशाल्य में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वैशाली को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां, अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वैशाल्य में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वैशाली को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक
आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वह नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं
सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वैशाल्य में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वैशाल्य को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी।
फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वैशाल्य में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वैशाली को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वैशाल्य में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वैशाली को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक
आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वह नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं
सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वैशाल्य में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वैशाल्य को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी।
फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े हैं। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमें कई फ्लैशबैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी मां शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गाँव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गाँव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी मां शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गाँव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े हैं। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमें कई फ्लैशबैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक
आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वह नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं
सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वैशाल्य में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वैशाल्य को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी।
फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े हैं। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमें कई फ्लैशबैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां, अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी मां शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गाँव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गाँव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी मां शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े हैं। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमें कई फ्लैशबैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक
आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वह नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं
सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वैशाल्य में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वैशाल्य को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े हैं। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमें कई फ्लैशबैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहां जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी।
फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था, और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे, और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था, और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है, जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक
आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वह नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं
सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वैशाल्य में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वैशाल्य को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वैशाल्य में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी।
फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा जो चाहती थी कि वो ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वो नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक
आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते हैं। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जाल देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखिए इसे फ्री में। शंकर वर्मा अपनी माँ शांति के साथ खराब जीवन शैली जीते है, क्योंकि उनके पिता सतपाल वर्मा की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उनका संबंध मीनाबाई नाम की एक वेश्या से था। अब शंकर खुद को दो खूबसूरत महिलाओं सुनीता ठाकुर भानु प्रताप सिंह की एक अमीर लड़की और मधु एक गरीब लड़की के स्नेह का पात्र पाता है और अपने माता पिता हरिया और तारा के साथ रहती है। दोनों महिलाओं को लगता है कि शंकर उनसे प्यार करता है। बाद में शंकर को अमिता नाम की एक धनी महिला ने काम पर रखा, जो चाहती थी कि वह ठाकुर भानु प्रताप उनके बेटों बलराम जैकी और उनके साथी केदार की जासूसी करे। शंकर ठाकुर भानु प्रताप के घर में ड्राइवर बनने में कामयाब हो जाता है और जासूसी का काम करता है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट नियमित रूप से अमिता को देता रहता है। एक दिन गांव वालों से बात करते समय उसे पता चला कि उसके पिता की बदनामी हुई थी और उन्होंने न केवल गांव वालों को धोखा दिया था बल्कि ठाकुर भानु प्रताप के छोटे भाई शशि प्रताप की भी हत्या कर दी थी। उसकी पूछताछ उसे सेंट्रल जेल ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जेल अधीक्षक ने उसे बताया कि उसके पिता ने अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी कर ली थी और रिहा हो गए थे और उनकी रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने पहले मीनाबाई के वेश्यालय में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह शंकर के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसे और उसकी माँ शांति को यह लग रहा था कि उसके पिता सतपाल वर्मा की मृत्यु बहुत पहले ही कई साल पहले हो गई थी। फिर शंकर मीनाबाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके वेश्यालय में आग लग गई और वह नष्ट हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। शंकर को कम ही पता है कि मीनाबाई अभी भी अमिता के रूप में जीवित है और ठाकुर भानु प्रताप के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए शंकर को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। उमेश मेहरा की जाल अपनी सामान्य और अपेक्षित समस्याओं के बावजूद काफी मनोरंजक फिल्म है, जो अपने दौर की कई फिल्मों से जुड़ी हो सकती है। इसमें कई विषय और शैलियां है, एक सामाजिक नाटक, एक रोमांटिक प्रेम त्रिकोण, एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म। यह बहुतारांकित तस्वीर मुख्य रूप से मिथुन के किरदार शंकर और रेखा की अमिता के बारे में है। उसने बस उस वेश्यालय को आग लगा दी जिसमें वह वर्षों से काम कर रही थी और उसे उस गांव का दौरा करने के लिए काम पर रखती है जिसमें वह पैदा हुआ था और वह उस आदमी की जासूसी करने के लिए रहती थी जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। फिर रेखा ने 40 पार की महिला का किरदार निभाया और मिथुन ने 20 साल के लड़के का किरदार निभाया, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कई साल बड़े है। कहानी को दिलचस्प तरीके से बताया गया है जिसमे कई फ्लैश बैक, अनु मलिक द्वारा रचित खूबसूरत गाने और आश्चर्यजनक रूप से विशिष्ट एक्शन और सफलतापूर्वक आंसू झकझोर देने वाले नाटकीय दृश्य शामिल है। जब मिथुन एक्शन रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते हैं, तो वे इस तरह की भूमिकाओं में महान होते हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। रेखा हमेशा की तरह आश्चर्यजनक और बहुत आश्वस्त करने वाली है। मंदाकिनी और मुनमुन सेन दो बेहद खूबसूरत लड़कियां अच्छे कलाकार है। शरद सक्सेना और इलारून बहुत अच्छे है। तनुजा ने सामान्य पीड़ित माँ की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है और जितेंद्र और विनोद मेहरा छोटे हिस्सों में दिखाई देते है। गानों में मेरा पसंदीदा है ओए क्या चीज है तू जो अद्भुत है, जबकि रेखा ने अपने गाने में मैं हूँ दुल्हन और ब्रेक डांस में धमाल मचाया है। अब बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते है तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते है, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो।